पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों हजारों वर्ष से समुदाय भारत की संस्कृति और परंपराओं को सहजता और संवारता आया है। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था, लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहां राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है। साथियों, हमारे इन प्रयासों के बीच आपको यह भी याद रखना है कि कांग्रेस और महाअघाड़ी का आपके प्रति क्या रवैया रहा है। जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तब पहरा देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की योजना बनी थी, लेकिन बीच में महाअघाड़ी की सरकार आई और उन्होंने इस काम पर ब्रेक लगा दिया। पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र का विकास तब आगे बढ़ा जब महायुति शिंदे जी के नेतृत्व में फिर से यहां सरकार बनी। आज इस योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तीर्थ स्थल के विकास से भक्तों को आसानी होगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास भी तेज होगा।